हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आज इस बायोलॉजी एंड इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ओके, तो ये रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अब देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। तो WHO क्या कहती है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़, फॉर एग्जांपल कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आप इमोशनली फिट होने चाहिए, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स द रिप्रोडक्शन हैज़ टू बी गुड एंड आप सोशली भी अच्छे होने चाहिए, तभी मैं उस पर्सन को क्या कहूँगा, रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहूँगा। ओके, नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इंडिया में सबसे पहले एक पॉलिसी बनी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ओके, ये प्रोग्राम कब बना था, 1951, बहुत इंपॉर्टेंट डेट याद रखोगे। ओके, कि सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा बना था इंडिया में एंड कब बना था, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अमंग द सिटीजन। सो वो है आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नाउ उसी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अब क्या कहा जाता है, RCH, मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसका मेन मोटिव क्या था ऑर्गेनाइजेशन का, कि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना टूवर्ड्स दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि मीन्स आपको कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है, हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम STDs, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आपके बॉडी के बारे में आपको सब कुछ इस स्टडी की हेल्प से पता चलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स पढ़ते हैं हम। पहला क्या है आपका MMR। नाउ व्हाट इज MMR, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मैटरनल मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है कि जन्म देते वक्त कितनी मदर जो है वो अपनी जान दे देती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मीन्स बर्थ के टाइम पे कितने बेबीज जो मर जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ओके, तो RCH का ये भी एक मेन मोटिव था कि लोगों को इतना अवेयर किया जाए कि वो अपना खुद से ध्यान रख सके, ताकि ये जो रेट है MMR और IMR रेट जो है वो कम हो जाए, मीन्स मैटरनल मोर्टालिटी रेट एज वेल एज जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो कम हो जाए। ओके, उसके बाद एक और फुल फॉर्म क्या है, CDRI, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल डॉग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, होप इतना समझाओ। नेक्स्ट क्या है आपका एमनियोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज एमनियोसिंथेसिस, तो एमनियोसिंथेसिस बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि देखो ये मैंने क्या बनाया है, एक फीमेल प्रेगनेंट का वोम बनाया है। ओके, जिसमें कवरिंग है जिसको हम क्या कहते हैं, एमनियन या एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। उस मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या आपका फीटस डेवलप हो रहा है। नाउ ये जो कैविटी है अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी। इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर देखो आपका जो बेबी है, फीटस है, उसका जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ रिलीज होगा, इनटू द एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि इंजेक्शन की हेल्प से इस एमनियोटिक फ्लूइड को हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको एनालाइज करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, एंड इससे आप क्या कर सकते हो, कार्योटाइपिंग भी कर सकते हो। कार्योटाइपिंग बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम क्रोमोसोम के नंबर्स को चेक करते हैं। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में कितना होना चाहिए, 46 ही होना चाहिए। तो अगर आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम है या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, तो आप आराम से इससे पता कर सकते हो। बट इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इससे लोग क्या करते हैं, फीमेल फिटिसाइड करते हैं। दिखा है यहाँ पे, फीमेल फिटिसाइड करते हैं। फीमेल फिटिसाइड मतलब, जैसे मैंने कहा कि आप कार्योटाइपिंग कर सकते हो तो आप एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का भी पता लगा सकते हो। अगर ये फीमेल आपका, अगर ये फीटस फीमेल हुई तो इसमें XX क्रोमोसोम होगा, करेक्ट ना, अगर मेल होगा तो एक्स एंड वाई होगा। तो जैसे ही लोगों को पता चलता था कि इसमें XX क्रोमोसोम है, मीन्स ये एक फीमेल है बेबी, तो इसे अबॉर्ट कर दिया जाता था। इसलिए ये टेक्निक क्या है, बैन है, इट इज़ बैन टू प्रिवेंट द फीमेल फीटिसाइड। ओके, आई होप दिस टेक्निक इज क्लियर, व्हाट इज एमनियोसिंथेसिस, छोटा सा ही है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो वर्ल्ड, खासकर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इस्तेमाल करने हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऐसे मेथड जिससे मैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करूँगा। तो दो टाइप के हैं वो, एक है आपका नेचुरल मेथड, एक है आपका आर्टिफिशियल मेथड। ओके, नाउ पहला क्या है, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में तीन टाइप है, पहला आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा है विड्रोवल और कोइटस इंटरप्टस, एंड तीसरा आपका लैक्टेशनल एमेनोरोया। ओके, नाउ पहला क्या आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब ये क्या होता है,
ओके क्या लिखा है, अवॉइड कोइटस फ्रॉम 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली आपको क्या करना है, एक फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको समझना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलता है, 28 डेज तक चलता है, जिसमें जो आपका 14th वाला डे होता है वहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, करेक्ट। तो आपको 14 डे पे तो बिल्कुल भी नहीं करना है इंटरकोर्स, और 14 से 3 दिन और खींच लो, मीन्स 11, 12, 13 एंड 14 के बाद, जैसे आपका ओवम 2 दिन तक जिंदा रहता है, ओके, तो आपको 15-16 को भी आपको जो कोइटस है, मीन्स आपका जो इंटरकोर्स है, उसको अवॉइड करना है। उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे कहा है इसमें, अवॉइड कोइटस फ्रॉम 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, टोटल 28 डेज है, जिसमें से 10वें से लेकर 17वां दिन तक आपको इंटरकोर्स करना ही नहीं है, टोटली अवॉइड करना है। उसके बाद यू कैन डू, तब बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते हैं प्रेगनेंसी के। ओके, उसके बाद क्या आपका विड्रोवल और कोइटस इंटरप्टस, इसमें क्या करना है, नाम में लिखा है इंटरप्ट कर देना है हमको। फॉर एग्जांपल, पेनिस विड्रोवल जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। ओके, आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, बट जैसे ही आपका जो सीमेन है इजैकुलेट होने वाला होगा, उसके तुरंत पहले हमें पेनिस को बाहर निकाल लेना है फ्रॉम द वजाइना एंड कहीं और इजैकुलेट कर देना है। ओके, सो दिस इज़ अ नेचुरल मेथड, बट इसके चांसेस थोड़े से कम है, बिकॉज यू नेवर नो कि कब रिलीज हो जाए इनसाइड द वजाइना। अगर एक भी रह गया तो इट कैन लीड टू द प्रेगनेंसी। एंड इन दोनों मेथड से याद रखना कि जो STDs होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो भी मीन्स अवॉइड नहीं होते हैं, सिंस आपका जो पार्ट है वो डायरेक्टली फीमेल के पार्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो इससे आप STD से तो बच के नहीं रहेंगे, बट दिस इज़ द नेचुरल मेथड जिससे प्रेगनेंसी नहीं होने वाली। ओके, होप समझाओ। तीसरा क्या आपका लैक्टेशनल एमिनोरिया, जिसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन डस नॉट अकर ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन। तो जब भी कोई फीमेल एक बेबी को बर्थ देती है, उसके बाद उसमें लैक्टेशन करती है बेबी को बेसिकली। ओके, लैक्टेशन पता है ना आपको, लैक्टेशन क्या होता है, बेसिकली बेबी को मिल्क सप्लाई करना। ओके, उस टाइम पे उसकी बॉडी में जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि बाकी हार्मोन्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, जिससे कभी कभी उसको मीन्स ओव्यूलेशन ही नहीं होता है। अब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, ओवम ही नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी के चांसेस ही नहीं होंगे। तो उस पीरियड में भी आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, बट कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है केस। तो ये सब प्रोबेबिलिटीज़ है। ओके, समझ आए ये तीन मेथड्स। पीरियडिक एब्सटिनेंस मतलब आपको 10 to 17 डेज के बीच में करना ही नहीं है बिल्कुल। विड्रोवल में मीन्स का आप नॉर्मली कर रहे हो, बट जैसे ही इजैकुलेशन होने वाली होगी, आपको पेनिस को विड्रो कर लेना है फ्रॉम दी वजाइना। फिर लैक्टेशन एमिनोरिया क्या होता है, कि जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन, क्योंकि आप इंटेंस लैक्टेशन पे हो, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होने वाली, ओवम ही नहीं होगा, तो फिर आपको इस बात का डर, तो यू कैन गो फॉर इंटरकोर्स, बट इन सम केसेस ये रिवर्स हो जाता है। ओके, नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए इसमें प्रेगनेंसी वाले टेक्निक में, बट हो जाता है कभी कभी। ओके, समझ आए। एक इसका कौन सा मेथड था, नेचुरल मेथड्स। नेक्स्ट कौन सा, आर्टिफिशियल मेथड्स। नाउ आर्टिफिशियल मेथड्स के बहुत सारे टाइप है। पहला आपका बैरियर मेथड, केमिकल मेथड्स है आपका, फिर है IUDs, दैट इज इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एक और है यहाँ पे, वो है सर्जिकल मेथड्स, मैं लिखना भूल गया हूँ। ओके, याद रखना, एक और क्या है, सर्जिकल मेथड्स, एंड लास्ट क्या आपका इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। ओके, समझ आए। तो चलो पहले पढ़ते हैं हम बैरियर मेथड। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, बैरियर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज़ बैरियर मेथड, मतलब बैरियर डाल देना। मैं क्या करूँगा, मैं वजाइना और पेनिस के बीच में कुछ तो बैरियर डाल दूंगा, जिससे प्रेगनेंसी होनी नहीं है। तो पहला क्या है आपका, कॉन्डम। ओके, तो किसके लिए होता है ये, बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए होता है। ये किसका बना हुआ होता है, थिन रबर का या लेटेक्स का बना होगा। ये डिस्पोजेबल होता है, डिस्पोजेबल मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेल्फ इंसर्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंसर्टेड, आप खुद से इसको पहन के इंटरकोर्स कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या प्रोवाइड करता है, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव, मीन्स ये बहुत ही चीप होता है, आराम से आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। एंड उसके बाद वन टाइम यूज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इट इज़ वन टाइम यूज़। एक बार आपने कोई कॉन्डम इस्तेमाल किया, यू कैन नॉट यूज़ इट नेक्स्ट टाइम, डिस्पोज करना ही, आपको डिस्कार्ड करना ही होगा इसे। अगर आप इसे वापस इस्तेमाल करते हैं तो आपको फिर STDs के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, इसका एक एग्जाम्पल क्या है, नीरो, और बाकी तो आप TV में देखते होंगे, ड्यूरेक्स वगैरह, बट एग्जाम में यही लिखना, नहीं याद रहा तो लिख दो फिर वो। ओके, समझ आया। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्डम की, कि इससे आपको STDs नहीं होंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, यू विल बी वेयरिंग कॉन्डम्स।
ओके उसके बाद क्या आपका डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, ये जो तीन चीज़ है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होते हैं, फीमेल के लिए होते हैं। एंड किसका बना हुआ है, रबर का बना हुआ है एंड ये रियूजेबल होता है। ओके मीन्स आप जो रबर का है उसे अच्छे से क्लीन कर लो, ओके उसके बाद यू कैन रियूज इट। ओके उसके बाद क्या है, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद स्पर्मिसाइड। जब भी आप डायफ्राम या सर्वाइकल कैप्स या वॉल्स इस्तेमाल करते हो उसके साथ आप एक केमिकल इस्तेमाल करते हो जिसका नाम क्या है, स्पर्मिसाइड। बेसिकली स्पर्मिसाइड वो केमिकल है जो स्पर्म्स को मार देगा। ओके तो मैंने यहाँ पे कहा था कि केमिकल मेथड्स भी पढ़ेंगे हम, केमिकल मेथड्स में इसी की बात होती है जिसकी, स्पर्मिसाइड्स की। तो दोनों हमने साथ में पढ़ लिया, बैरियर एज वेल एज ई केमिकल मेथड। ओके होप ये समझा हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका IUD, दैट इज इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। ओके नाउ इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, नाम लिखा इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, यूटराइन मतलब आपका यूटरस, इंट्रा मतलब उसके अंदर। तो हम क्या करने वाले हैं, यूटरस के अंदर कोई तो ऐसी चीज़ डाल देंगे जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है वेमेंस के लिए, सबसे अच्छा अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है सब में से तो सबसे अच्छा कौन सा आपका IUD है। दूसरी चीज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है तो वो कौन सा आपका IUDs है, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। इसके तीन टाइप है, एक है नॉन मेडिकेटेड, एक है कॉपर रिलीजिंग, एक है हार्मोन रिलीजिंग। ओके नॉन मेडिकेटेड मतलब हम कोई इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या होता है, इंक्रीजेज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। देखो आपका यूटरस का एक ना रूल है कि अगर मेरे में पहले से कुछ है तो वो स्पर्म को अलाउ ही नहीं करती अंदर आने के लिए। तो होता क्या है, इसमें ग्लिपोस्कोपिक डिवाइस है जो हम क्या करते हैं, यूटरस में डाल देते हैं। ओके नाउ क्योंकि वो यूटरस में होता है तो जो फीमेल का बॉडी है उसको एज अ फॉरेन बॉडी क्या करता है, रिकग्नाइज करता है। जैसे ही फॉरेन बॉडी रिकग्नाइज करता है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड आपके जितने भी फेगोसाइटिक सेल्स, फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफाजेस वगैरह, वो आने लगते हैं। एंड अगर आपने उस बीच में इंटरकोर्स किया तो आपके स्पर्म ही मर जाएगा उस चक्कर में, समझ आ। ये क्या था आपका नॉन मेडिकेटेड टाइप जिसमें आपकी स्पर्म की फेगोसाइटोसिस होती है बिकॉज आपने लिपिड लूप डाल के रखा है उसके अंदर। ओके उसके बाद क्या आपका कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग मतलब ऐसा कुछ जो कॉपर को रिलीज कर रहा है। तो कॉपर क्या करता है, बेसिकली सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी। ओके आपका जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। तो आपका जो स्पर्म है वो वजाइना से यूटरस और यूटरस से आपकी फिलोपियन ट्यूब तक ट्रैवल ही नहीं कर पाता तो फर्टिलाइजेशन क्या करेगा। ओके इसके एग्जांपल क्या है, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलो 375, समझ आया पक्का। उसके बाद क्या आपका हार्मोन रिलीजिंग, मीन्स ऐसा कोई डिवाइस जो क्या रिलीज कर रहा है, हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो बेसिकली क्या करता है, मेक्स यूटरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। आपके हार्मोन्स बेसिकली वो कौन से हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं या ईस्ट्रोजन होता है, उसकी इतनी ज़्यादा ऐसा डिवाइस होता है वो जो इस हार्मोन को रिलीज करता है। एंड ये जो प्रोजेस्टेरोन है आपका जो सर्विक्स का जो म्यूकस होता है उसको इतना थिक कर देता है कि स्पर्म एंटर नहीं कर पाता। ओके स्पर्म एंटर ही नहीं कर पा रहा सर्विक्स से वजाइना में तो कहाँ से होगी प्रेगनेंसी, समझ आए। तो ये इसके एग्जांपल कौन सा आपका, प्रोजेस्टा स्टेंट एंड LNG 20। तो ये किसके बारे में था आपका, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस के बारे में था। नेक्स्ट जो क्या आपका ओरल पिल्स और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये तो बहुत सुना होगा तुम लोगों ने। ओके ओरल पिल्स मतलब आप पिल्स ले रहे हो, दवाई ले रहे हो, टैबलेट ले रहे हो जिससे प्रेगनेंसी नहीं होने वाली। तो इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन, या तो प्रोजेस्टेरॉन दिया जाएगा उस टैबलेट में, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा या तो प्रोजेस्टेरॉन के साथ ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे हार्मोन में भी क्या रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ही रिलीज हो रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन का मैंने फंक्शन बताया आपको, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, आपका फीमेल का जो सर्विक्स होता है उसको इतना म्यूकस बहुत थिक कर देता है कि स्पर्म एंटर ही नहीं कर पाए। ओके दूसरी चीज़ ये कौन से फॉर्म में दी जाती है, टैबलेट के फॉर्म में दी जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पिल्स कहते हैं। और ये करता क्या है, इसके लिए इनहिबिट्स ओव्यूलेशन, पहली बात तो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन जो है वो ओव्यूलेशन नहीं होने देता एज वेल एज इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देगा। ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन कहाँ से होगा। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है, जैसे मैंने कहा सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको बहुत थिक कर देगा कि स्पर्म एंटर ना कर पाए। ओके समझ आइए किसके बारे में था, ओरल पिल्स। एंड इसका बहुत सिंपल एग्जांपल क्या है, सहेली, जो आपके NCERT में भी दिया हुआ है ना, आपके महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में भी दिया हुआ है सहेली। तो ये एक पिल है जो सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था, CDRI, जैसे मैंने कहा CDRI वो कौन सा था आपका, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ है, लखनऊ में, वहाँ पर डेवलप किया गया था। ये जो पिल है एक वीक में एक बार लिया जाता है एंड ये नॉन स्टेरॉयडल होता है, इसमें स्टेरॉयड नहीं होता, सेफ है, ले सकते हैं एंड ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है। ओके ये था आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका, सर्जिकल मेथड, मीन्स आप सर्जरी करके
हमेशा के लिए बंद कर रहे हो, इसे सब टेम्प्रेरी मेथड। अब तक जितने मेथड्स पढ़े सब के आपके टेम्प्रेरी मेथड थे, बट आपका जो सर्जिकल मेथड है एंड इसके बाद में जितने मेथड्स बताऊंगा वो सब परमानेंट मेथड है। एक बार करवा लो, एक बार लगा डाला तो लाइफ झिंगा लगा, उस टाइप का है। उसमें पहला क्या आपका ट्यूबेक्टोमी, क्या है ट्यूबेक्टोमी, टॉमी का मतलब क्या होता है उसमें, टॉमी का मतलब होता है पिल्ला नहीं, टॉमी का मतलब होता है रिमूवल। क्या करना, कुछ तो हमने काट के निकाल के फेंक दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉमी बोलते हैं। तो ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब रिमूव्ड एंड टाइड अप। ये आपका फीमेल का, जस्ट ए मिनट बच्चे लोग, ओके फोकस जा रहा था, ओके क्या होता है आपका इसमें, ये आपका क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड ये आपके क्या होते हैं, फिलोपियन ट्यूब्स होते हैं। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, फिलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, उसके बाद उसको टाइट कर देते हैं। ओके यहाँ पे आपका क्या बनता है, ओवम बनता है एंड यहाँ पे कहीं आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे ओवम बन तो रहा है बट यहाँ से वो ओवम यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो जितना मर्जी उतना स्पर्म आ जाए फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो ये क्या था आपका ट्यूबेक्टोमी। उसके बाद क्या आपका वैसेक्टोमी में सेम चीज़ की जाती है बट फर्क इतना है, द स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, उसमें हमने फिलोपियन ट्यूब काटा था, इसमें हम वास डिफरेंस को काटते हैं फिर टाई कर देते हैं। ओके तो ये आपका क्या है, वास डिफरेंस है, इसको मैंने काट के टाई कर दिया है। ओके एंड उसके बाद आपका स्पर्म कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, जितना मर्जी स्पर्म बना लो इसके ऊपर जाएगा नहीं, बेचारा स्पर्म यहीं पे मर जाएगा बेचारा, उसकी ज़िंदगी में यही लिखा है, समझ आए पक्का। उसके बाद क्या है आपका इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस। एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ, मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में बताना कि जिससे मैंने कहा यहाँ पे ओवम नहीं रिलीज़ हो रहा है, तो मुझे बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा कि नहीं होगा। ओवम ही नहीं निकल रहा है ना, ओवम यहाँ से निकल नहीं पाएगा बाहर, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, करेक्ट। तो मुझे बताओ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा या नहीं होगा। उसके बाद वैसेक्टोमी में क्या है, यहाँ से स्पर्म नहीं निकल पा रहा है, तो मुझे बताओ टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है क्या वो पूरे बॉडी में सप्लाई होगा, क्योंकि हमने वास डिफरेंस काट दिया ना, होगा या नहीं होगा ये बताओ। और मुझे एक और क्वेश्चन बताओ, क्योंकि अभी स्पर्म नहीं है तो क्या सीमेन नहीं निकलेगा जब आप इजैकुलेशन करोगे, तो बताओ मुझे, ये मुझे कॉमेंट सेक्शन बताओ जल्दी। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, क्योंकि मैंने अभी यहाँ से काट दिया है फिलोपियन ट्यूब को काट दिया है तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा या नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, मेरा क्वेश्चन क्या था कि क्योंकि मैंने वास डिफरेंस काट दिया है तो क्या सीमेन रिलीज होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे। ओके ये दो क्वेश्चन के आंसर देना मुझे कॉमेंट सेक्शन में, आने चाहिए वीडियो अपलोड करते ही आना चाहिए क्वेश्चन, ये सॉरी आंसर आना ही चाहिए। ओके उसके बाद कौन सा है आपका इम्प्लांट फॉर इंजेक्शन। ये जो इम्प्लांट इंजेक्शन ये भी एक टाइप का टेम्प्रेरी मेथड है, ये दोनों आपके क्या है परमानेंट मेथड है। तो पहले वाला पढ़ते हैं, इम्प्लांट्स मतलब हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो आपके बॉडी में फीमेल के बॉडी में इम्प्लांट कर दे रहे हैं ताकि वो प्रेगनेंसी ना हो। ओके सो प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन। तो हम क्या करते हैं बेसिकली तीन स्टिक जैसे, स्टिक पर ना माचिस की कांडी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ओके उनको हम क्या करते हैं स्किन के नीचे डाल देते हैं, किसके अंडर द स्किन, एंड वो क्या रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं या तो प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे, जो क्या करेंगे आपकी प्रेगनेंसी को इनहिबिट करेगा। प्रोजेस्टेरोन का भी मैंने फंक्शन बताया, एस्ट्रोजन का बताया, एस्ट्रोजन जो है वो ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा, ओवम रिलीज ही नहीं होगा। दूसरा प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, वो सर्वे आपका जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको इतना ज़्यादा थिक कर देता है कि स्पर्म ही नहीं एंटर कर पाता। तो ये दो फंक्शन ये करेंगे, पिल जैसा ही सेम फंक्शन, जो पिल कर रहा था सेम वही फंक्शन ये करने वाले हैं। ओके समझ आया, बट फर्क इतना है कि इनका जो इफेक्ट होता है बहुत प्रोलॉन्ग्ड होता है, बहुत समय के लिए इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शन का असर हो रहता है। ओके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय चांस ड्यू टू एनी रीजन, कि अभी किसी फीमेल को या किसी कपल को दे डोंट वॉन्ट बेबी, ओके एंड दे एंड द फीमेल गॉट प्रेगनेंट, ओके या फिर एनी रीज़न अभी छोटे बच्चे हैं या फिर कोई रेप केस है जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी है और उसे नहीं चाहिए वो प्रेगनेंसी, तो ही कैन सॉरी नॉट ही कैन बट शी कैन गो फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स शी कैन ऑप्ट फॉर एबॉर्शन। ओके मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को हम शॉर्ट फॉर्म में या आम भाषा में एबॉर्शन बोलते हैं। ओके क्या लिखा है, वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, मैंने दो बार लिख दिया यहाँ पे प्रेगनेंसी, कोई बात नहीं समझ जाते मेरे बच्चे स्मार्ट है। ओके हम वॉलेंटरी क्या कर रहे हैं, टर्मिनेशन कर रहे हैं प्रेगनेंसी की। उसके बाद क्या है, ये जो प्रेगनेंसी है वो सबसे पहले इंडिया में लीगलाइज कब हुआ था 1971 में, उसके पहले लीगल नहीं था, आप अबॉर्शन नहीं करा सकते थे अंडर स्ट्रिक्ट एक्शंस और स्ट्रिक्ट कंडीशंस, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस है प्रेगनेंसी के लिए। आप कैसे नहीं है कि आज आपको प्रेगनेंट होकर 6 महीने हो गए और आप बोलेंगे नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए मुझे अबॉर्शन कराना है, तो नहीं करा सकते आप, याद रखना।
अबॉर्शन के लिए आपको स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, एंड आपका एक बोलते हैं ना, वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे को, कोई तो एक ना टफ रीजन हो, रीज़न होना चाहिए प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का। आप कुछ भी बोल के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते, कोई स्ट्रिक्ट रीजन होना चाहिए आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का। फॉर एग्जांपल कि बच्चे को कोई बीमारी होने वाली, डाउन सिंड्रोम टाइप अगर डिटेक्ट हुआ है, तो यू कैन गो फॉर एबॉर्शन। या फिर अगर फीमेल की बॉडी को कोई हार्म पहुंचने वाली है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, या शी कैन गो फॉर क्या बोलते हैं एबॉर्शन, बट एटलीस्ट उसको एक या दो डॉक्टर का वो लगेगा, रेफरेंस लगेगा ही लगेगा, एटलीस्ट उसको दो या तीन डॉक्टर्स की परमिशन लगेगी फॉर अबॉर्शन, अदरवाइज वो अबॉर्शन नहीं कर सकती। जब तक दो डॉक्टर्स नहीं बोलते हैं अबॉर्शन करने के लिए, वो फीमेल अबॉर्शन नहीं करा सकती। किसके बारे में था? MTP। एक और चीज़ क्या लिखी है इसमें, सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आपको पता है ना, 9 महीने होते हैं, शुरू के 3 महीने में प्रेगनेंसी करना सबसे सेफ होता है, फीमेल के लिए भी एज वेल एज बेबी के लिए भी। समझ आए पक्का? ये किसके बारे में था? MTP के बारे में। उसके बाद जो अपना लास्ट क्या है वो है इनफर्टिलिटी। भैया अरे देखो, अब तक हमने जितना पढ़ा, हम सब क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या आपका? इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी क्या है बेसिकली? देखो, अब तक हमने जितने मेथड्स पढ़े, सब में हम क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की कोशिश करें, करेक्ट। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वर्ल्ड में या अर्थ पे जिन्हें चाहकर भी बेबी नहीं होता बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ओके, मेल में और फीमेल में दोनों में, जिसकी वजह से वो कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते, बट सबको हक है पेरेंट्स बनने का, करेक्ट। तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम मतलब आपको नहीं जाना है करने के लिए हेल्प। कुछ टेक्निक्स है जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्ट, शॉर्ट फॉर्म में हम आर्ट बोलते हैं, भगवान का बनाया हुआ आर्ट है, सॉरी हमारा बनाया हुआ आर्ट है, जिसे हम इंसान की मदद कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव थेरेपी। ये उनके काम आता है जिन्हें बेबीज नहीं हो रहे, जिनको बेबी करना है, ओके। इसमें दो मेथड, एक है इन विट्रो जो बॉडी के बाहर होगा, एक है आपका इन विवो जो बॉडी के अंदर होगा। इन विट्रो पहले पढ़ेंगे फिर इन विवो पढ़ेंगे। इन विट्रो मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है? आउटसाइड द बॉडी हो रही है। इसमें जो पहला है वो क्या है आपका, जिफ्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, ओके। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जाइगोट को जो है वो कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, फीमेल के फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, मेल का स्पर्म लेंगे, फीमेल का ओवम लेंगे, उसको फ्यूज करेंगे आउटसाइड द बॉडी। हाँ, लिखा है इन विट्रो, कन्फ्यूज नहीं होना, आउटसाइड द बॉडी उसको क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, उससे क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जब उस जाइगोट में 8 ब्लास्टोमियर्स आ जाएंगे, उसके बाद, हाँ 8 याद रखना, 8 ब्लास्टोमियर्स आ जाएंगे, उसके बाद हम उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, फीमेल की फिलोपियन ट्यूब में करेंगे, समझ आए। उसके बाद प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका, IUT। IUT का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। सेम चीज़, स्पर्म लिया, ओवम लिया, हम उसको आर्टिफिशियली क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, करवाएंगे, जैसे ही जाइगोट बन जाएगा, ओके। बट इस बार क्या होगा, जाइगोट में 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर होने चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको कहाँ डाल रहे हैं, आपके यूटरस में डाल रहे हैं, ओके, याद रखना। जाइगोट ऑफ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर टू यूटरस। ऐसा ब्लास्टोमियर जिसमें 16 या 32 ब्लास्टोमियर्स है, उसको हम सीधा किस में ट्रांसफर करेंगे, यूटरस में ट्रांसफर करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, IUT, डेट इज इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। उसके बाद क्या आपका, ICSI, जिसका मतलब क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, स्पर्म जो है वो डायरेक्टली कहाँ इंजेक्ट कर देते हैं, ओवम में। स्पर्म लिया, उसको आपका जो ओवम होता है, ये स्पर्म है, ये ओवम है, ओके, स्पर्म एंड ओवम है, ये स्पर्म है, ये ओवम है, एंड मैंने स्पर्म को क्या किया, आपका जो ओवम है सीधा उसके साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए, सिंपल। एक आता आपका इन विट्रो, उसके बाद क्या है आपका इन विवो, मतलब फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द और विद इन द बॉडी। इसमें पहला क्या आपका, गिफ्ट है बेसिकली, एक जो फीमेल है दूसरी फीमेल को गिफ्ट दे रही है, बहुत मुश्किल है वैसे तो ये बात, बट हो जाती है कभी कभी। फुल फॉर्म क्या है इसका, गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, जिसमें क्या होता है, ओवम फ्रॉम डोनर। सोचो एक औरत दूसरी औरत का घर बसा रही है, ओके, तो एक फीमेल है जो एबनॉर्मल है, वो फीमेल जो है वो एनी हाउ वो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो एक दूसरी फीमेल जो है वो अपना ओवम किसको देगी, एबनॉर्मल फीमेल को देगी, तो वो क्या होगा, ओवम फ्रॉम डोनर इज ट्रांसफर टू फिलोपियन ट्यूब ऑफ द एबनॉर्मल फीमेल। हम फीमेल का लेंगे, ओवम लेंगे, उसको दूसरी फीमेल में डाल देंगे जो एबनॉर्मल है, वो भी कहाँ डालेंगे, उसके फिलोपियन ट्यूब में डाल देंगे,
उसके बाद क्या आपका AI है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। याद रखना ये ऊपर वाला जो टेक्निक था इसमें फीमेल एबनॉर्मल थी, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये मेल्स में प्रॉब्लम होती है, मेल्स में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो मेल है उसमें क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, मेरे को दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा है, सोचने का बच्चे लोग थोड़ा सा, अरे क्या नाम था उसका, ओके याद आ गया बच्चों, जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होती है, मीन जिनमें उनका जो पेनिस है वो हार्डन नहीं हो पाता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इंटरकोर्स के लिए, जब उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होती है उस समय क्या किया जाता है, जो मेल है ह्यूमन हस्बैंड है या फिर जो मेल है उसका सीमन लिया जाएगा या तो डोनर का। ओके एक और रीजन हो सकता है कि जो मेल है उसमें स्पर्म काउंट कम है, मीन्स उसमें जो स्पर्म है, नॉर्मल आपके सीमन में कितना स्पर्म होना चाहिए, 400 मिलियन स्पर्म, मान लो उसका सिर्फ 200 मिलियन है, ठीक है, तो ये एबनॉर्मल काउंट है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या किया जाता है, या तो डोनर से हम सीमन लेंगे या तो उस नॉर्मल मेल से ही लेंगे, मतलब एबनॉर्मल मेल से हम सीमन लेंगे, उसको आर्टिफिशियली इंजेक्शन के जरिए हम फीमेल की वजाइना में क्या करेंगे और यूटरस में हम क्या करेंगे उसको इंजेक्ट करेंगे। या रखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल फीमेल, इसमें एबनॉर्मल थी, इसमें नॉर्मल थी, इसमें मेल डिफेक्टेड है, इसमें फीमेल डिफेक्टेड थी, याद रखना। समझ आया, इसके बारे में था, आपके टेक्निक्स के बारे में था, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी को हम ठीक कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव थेरेपी। एक और चीज़ है, वो है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, ओके, जिसे हम वेंड्रल डिसीज़ भी कहते हैं, उसके बारे में लिखा कुछ नहीं, बट मैं आपको बोल के बताता हूँ। व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ आर द डिसीज़ विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। ओके ये एक ऐसी डिजीज़, ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के जरिए ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नाउ इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, पहला एग्जांपल तो सबसे कॉमन है वो HIV, जिसका नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो जिसको एक बार हो गई उसकी ज़िंदगी झंड हो जाती है, मतलब ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उसके बाद दूसरा है आपका गोनोरिया, सिफिलिस है, ओके ये सब अलग अलग, कभी कभी हेपेटाइटिस भी होता है, सब ये अलग अलग तरीके की क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, जो जिसमें से मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, इनक्यूरेबल है, मीन्स ठीक नहीं होते कभी, बट बहुत सारे टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से आप प्रोलॉन्ग लाइफ जी सकते हैं, मीन्स आपकी उम्र बढ़ जाएगी बट ये जो आपकी बीमारियाँ ठीक नहीं होने वाली है। फीमेल्स में कभी कभी क्या होता है कि उनके बेबीज को हो जाती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ क्योंकि उनको है। उसके बाद कभी कभी स्टिल बर्थ करता है, कभी कभी इसकी वजह से क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब एक कंडीशन है जिसमें आपको जो इम्प्लांटेशन है, ओके इम्प्लांटेशन कहाँ होना चाहिए, आपके यूट्रस में होना चाहिए, बट वो कहाँ हो जाता है, आपके फिलोपियन ट्यूब में हो जाता है, गलत जगह पे इम्प्लांटेशन हो गया बेचारे ज़ायगोट का, ओके तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये हो सकता है। ओके और बहुत सारे रीज़न है जिससे ये ट्रांसमिट होता है, जिसमें पहला क्या सेक्सुअली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एक से दूसरे को फैलते हैं। उसके बाद अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके आप ब्लड के कॉन्टैक्ट में आए या फिर उसके कोई भी बॉडी फ्लूड के कॉन्टैक्ट में आए तब भी आपको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो सकती है, उससे भी बचना है आपको। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप यही पढ़ते हो कि ऐसे कौन से टेक्निक्स हैं जिससे आप इन सारी चीज़ों से बच सको, ऐसे कौन सी टेक्निक है जिससे आप मतलब पॉपुलेशन वर्ल्ड की कंट्रोल कर सके, ओके फैमिली प्लानिंग कर सके, तो ये सब उसी के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये जो है ठेंगा ना उसको ऊपर मतलब लाइक कर देना, ऐसा ऊपर लाइक कर देना। उसके बाद कमेंट करके मुझे वो क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर बताओ जो मैंने दो पूछे थे, वापस बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था, क्योंकि मैंने फिलोपियन ट्यूब्स को काट दिया था तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा या नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, याद करो मुझे कमेंट करके बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्योंकि मैंने अभी वास डिफरेंस भी काट दिया था इन द वैसेक्टोमी तो क्या सीमेन रिलीज होगा कि नहीं होगा। याद रखना कि वैसेक्टोमी से जो मैनलीनेस होती है वो कम नहीं होती है, आप नॉर्मल मैन ही रहोगे, याद रखना, बस फर्क इतना कि स्पर्म नहीं होगा। इसके आंसर मुझे जल्दी बताओ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, जैसे मैंने कहा लाइक कर देना, कमेंट करके इसके आंसर्स भी दो, कमेंट करके ये भी बताओ वीडियो कैसे लगा। एंड थैंक यू।